तस्वीर में आप खुद ही काउंट कर लीजिए कि कितनी गोलियां रुपेश सिंह के शरीर में लगी। रुपेश सिंह को 18 गोलियां मारी गई। हम मौत पर राजनीति नहीं करते, हम लाश पर राजनीतिक रोटी नहीं सकते। तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारा पटकथा लिखा गया है, पूरा षड्यंत्र है और किसी न किसी बड़े चेहरे को बचाने का, छुपाने का प्रयास। 2 महीने तक ये इतना गुस्सा रहेगा कि जिसकी गाड़ी से आपकी टक्कर लगी उसको आप 18 गोली मारेंगे। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं तनुज मासूम। 12 जनवरी को हुए बिहार के सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल हत्याकांड इंडिगो एयरलाइंस स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्याकांड का मामला था, 12 जनवरी को हुआ था। उसके आवास के नीचे उसे गोली मार दी गई थी। लगातार पुलिस अपराधियों को तलाशने में जुटी थी, लेकिन मामला तूल पकड़ते गया और इसमें इन्वॉल्वमेंट होता गया सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों का। विपक्ष ने भी कड़े रूप अपनाए। अभी हम मौजूद है पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 पर, जहां धरने पर बैठ गए हैं आशुतोष जी, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सामाजिक संगठनों से भी इनका पुराना नाता रहा है। आशुतोष जी, रुपेश सिंह हत्याकांड देखते ही देखते बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल हत्याकांड बन गया, राजनीतिक पार्टियां भी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन है ये हत्या? कुछ लोग इसे राजनीतिक तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है कि किसी का परिवार जाता है तो उसका दुख नहीं दिखता और राजनीतिक रोटी सेकने लोग चले जाते हैं। कई नेता गए, दर्जनों सैकड़ों नेता गए, नेता प्रतिपक्ष गए, सुशील मोदी जी गए और भी कई नेता गए, सब लोग जाकर अपना घड़ियाली आंसू बहाकर चले आए। लेकिन आज रुपेश सिंह को न्याय मिल गया क्या? उनके परिजनों को न्याय मिला क्या? अब सब लोग चुप्पी साधे हुए। हमारे पास भी कई लोगों ने कॉल किया, आपको भी जाना चाहिए था। हमने कहा कि हम मौत पर राजनीति नहीं करते, हम लाश पर राजनीतिक रोटी नहीं सकते। हमने उनके परिजनों से बात किया, उन्होंने कहा एक सप्ताह पहले तक प्रशासन की कार्रवाई से वो लोग संतुष्ट थे कि प्रशासन जी तोड़ मेहनत कर रहा है, काम में लगा हुआ है। हम भी संतुष्ट थे, जाकर नेतागिरी नहीं करनी थी। लेकिन परसों जो ये सारा मामला कथित तौर पे जो हत्यारा को नकाब में लाया गया, प्रेस वार्ता किया गया SSP महोदय के द्वारा, उसके बाद भी परिजनों का हमसे संपर्क हुआ, फिर बातचीत हुई। उनके परिजनों ने कहा कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, अब CBI जांच पर ही भरोसा है और आप इस मांग को उठाइए। आज उनके कहने पर ही हम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और कई सबूत हैं, कई बिंदु ऐसे हैं जिन बिंदुओं पर यदि आप चर्चा करेंगे, यदि आप विस्तार से गहन अध्ययन करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये सारा पटकथा लिखा गया है, पूरा षड्यंत्र है और किसी न किसी बड़े चेहरे को बचाने का, छुपाने का प्रयास। पटना SSP ने 1 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने हिसाब से, तब इस पूरी कहानी का जो घटनाक्रम हुआ उसके तमाम पन्ने खोल कर रख दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं आ रही है। जब उनके परिजन ही संतुष्ट नहीं है, बिहार के 12 करोड़ आवाम में किसी भी सड़क चलते आप आदमी से पूछ लीजिए कि रुपेश सिंह को न्याय मिल गया क्या, वो जो पकड़ा गया क्या वो हत्यारा था? आप ये सोचने वाली बात है, आप ही अंदाजा लगाइए कि सड़क पर चलते आपकी बाइक किसी कार से टकरा जाती है। तो रोडरेज का जो मामला हुआ था गया में, रॉकी यादव का, आपने सुना होगा, तुरंत उसमें जो भी प्रतिक्रिया होती है वो फैसला, जो भी प्रतिक्रिया होता है वो स्पॉट पर होता है, तुरंत होता है। ऐसे तो आप घर से निकलेंगे तो रोज कहीं ना कहीं किसी साइकिल में, किसी ठेले में, किसी रिक्शे में, किसी बाइक में आपकी गाड़ी टकराती है। तो ये मामला, ये इतना 2 महीने तक ये इतना गुस्सा रहेगा कि जिसकी गाड़ी से आपकी टक्कर लगी उसको आप 18 गोली मारेंगे। प्रशासन कहती है कि हत्यारे ने 6 गोली चलाया, 7 गोली और लगा 4 या 5 गोली। SSP साहब ने कहा 6 गोली उनके बॉडी से निकाला गया और 1 गोली जिससे वो कार का शीशा टूटा। अभी आप कह रहे हैं कि 18 गोली लगी है। तस्वीर है, उनके परिजनों ने खुद भेजा, उनके परिजनों ने कहा कि इस तस्वीर में आप खुद ही काउंट कर लीजिए आशुतोष जी की कितनी गोलियां रुपेश सिंह के शरीर में लगी हैं। रुपेश सिंह को 18 गोलियां मारी गई, 12 गोली तो यहां पर आप गिन सकते हैं, 12 गोली स्पष्ट दिखाई दे रहा है पोस्टमार्टम के बाद। तो इसका जवाब बिहार सरकार के पास है, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के पास है कि आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, आप इसको छुपाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? उनके परिजन अब आप पर भरोसा नहीं कर रहे, और परिजन ही नहीं, बिहार की आम आवाम का भरोसा आपसे उठ गया है। और भारत के सबसे बड़ी जांच एजेंसी जो है, जिस पर भरोसा आज भी कायम है, वो CBI है। ये हाई प्रोफाइल मामला है, पिछले 6 महीने साल भर में इतना बड़ा हत्या का मामला नहीं आया आपके पास में, पूरे देश के लोगों को झकझोर दिया। तो इस मामले की जाँच CBI से करवाई जाए। उनके परिजनों के कथनानुसार आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, साथ ही साथ उनके परिजनों को सरकारी सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनके साथ भी कोई घटना घट सकती है। और इनके बच्चों के भरण पोषण के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी विधवा को, उनके आश्रित को सरकारी नौकरी दी जाए। हम इस मांग के साथ यहाँ बैठे हैं।
कई सामाजिक संगठन इसको जातीय समीकरण भी दे रहे हैं। देखिए हत्या या हत्यारे की कोई जाति नहीं होती है और जिसकी हत्या हुई है उसकी भी कोई जाति नहीं होती। हत्या किसी की भी हो सकती है, हत्या दलित की भी हो सकती है, हत्या सवर्ण की भी हो सकती है, भूमिहार मुसलमान किसी की हत्या हो सकती है। इसको जातीय रंग देना ठीक नहीं है। और हम केवल यहाँ इसलिए नहीं बैठे हुए हैं कि हमारी जाति से थे, हम इसलिए बैठे हुए हैं चूँकि उनके परिजनों को न्याय मिले और उनको न्याय मिलना चाहिए। हम इसलिए बैठे हुए हैं कि कल यदि हमारे साथ इस तरह की घटना घटती है, बिहार के और भी किसी लोगों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ घटना घटती है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? जब इतना हाई प्रोफाइल व्यक्ति के हत्या के बाद मामले की लिपापोती की जा सकती है, तो एक साधारण व्यक्ति की हत्या होगी तो उसके मामले को कितना आसानी से लोग निपटा सकते हैं। हम इसलिए बैठे हुए। रुपेश सिंह की पत्नी ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हमें इस कहानी पर पूरी तरह से बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसकी हाई प्रोफाइल जांच सीबीआई से करानी चाहिए। जी निश्चित रूप से उनके कहने पर ही हम यहाँ बैठे हुए हैं और वो काफ़ी बिलख रही हैं। पहले तो वो दुखी थी, उनका पूरा परिजन दुखी था, लेकिन ये जो कहानी बनाया गया पटना पुलिस द्वारा, इस कहानी के बाद उनका दुख दोगुना और बढ़ गया, क्योंकि उनका सारा विश्वास टूट गया। अब बिहार सरकार पे वो बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं उनको रही है बिहार सरकार से, यहाँ के प्रशासन से, इसलिए अब उनकी आखिरी उम्मीद बची है कि सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए। दूसरी तरफ एक बात और है कि ऋतुराज जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके पिता ने भी कहा है कि ऋतुराज शांत स्वभाव का था, अगर गुस्सा भी होता था तो दो मिनट में चुप हो जाता था, गलती से उसे फंसाया गया है, ये एक साजिश है। ये स्पष्ट तौर पर है, हम कह तो रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इतना गुस्सा दो महीने तक कैसे दबा कर रख सकता है कि दो महीने पहले उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और दो महीने के बाद वो जाकर 18 गोली मारता है, जबकि उसकी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रही है, उसने आज तक गोली नहीं चलाया, मीडिया के सामने उसने कबूला जीवन में पहली बार गोली चलाया। वो कहता है कि पीछे और भी लोग गोली चला रहे थे, उसने कहा कि नहीं पता है। तो 18 गोली किसने चलाया जब ये 6-7 ही गोली चलाया, तो बाकी का गोली किसने चलाया? और इसके शरीर पर जो बुलेट्स लगे हैं क्या वो प्रशासन को दिखाई नहीं दे रही? फिर प्रशासन कैसे इस बात से इनकार कर सकती है कि इनके शरीर पर 6 ही बुलेट लगे हैं, 5 ही बुलेट लगे, जबकि यहाँ पर आप इस तस्वीर में भी काउंट कर सकते हैं, 12 गोलियाँ यहाँ देख सकते हैं। उनके परिजनों का कहना है कि 18 गोली उनके शरीर में पाए गए। क्या लगता है सरकार के लोगों की, सत्ता पक्ष के लोगों की संलिप्तता इसमें होगी? सरकार किसे बचाना चाह रही है? विपक्ष के लोगों को तो संलिप्तता हो नहीं सकती है, सत्ता के पक्ष लोग ही इसमें संलिप्त हो सकते हैं। और अब तक के सैकड़ों ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर ऐसे सैकड़ों उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पर सरकार में के मामले में लिपापोती करने का प्रयास किया गया, बहुत सारे मामले। एक आखिरी सवाल आशुतोष जी की, सरकार से क्या मांग करते हैं उनकी पत्नी उनके बच्चों के लिए? सरकार से हम दो मांग, इसके अलावा सीबीआई जांच के अनुशंसा के अलावा दो मांग और कर रहे हैं। उनके परिजनों को सरकारी सुरक्षा मुहैया कराई जाए और दूसरा उनके आश्रित जो उनकी विधवा हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भरण पोषण किया जाए। अगला कदम क्या होगा? हम लोग इन मांगों के साथ में धरना पर बैठे हैं, यदि मांग हमारी नहीं मानी जाएगी तो इसी गांधी मैदान से लाखों की संख्या में हम लोग यहां से निकलेंगे, मार्च करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे, विधानसभा सत्र चल रहा है उसका घेराव करेंगे, राज्यपाल को भी ज्ञापन देंगे। ये थे हमारे साथ आशुतोष जी जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सामाजिक संगठन भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के भी फाउंडर रह चुके हैं। ये साफ तौर पर इन्होंने कह दिया है कि रुपेश सिंह हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, वो भी ठीक तरीके से। उनकी पत्नी और उनके बच्चों के लिए सरकार को सोचना चाहिए, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी भी दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे और उनके आवास का भी घेराव करेंगे। तमाम अपडेट्स रिपब्लिकन न्यूज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।